हेलो आईटीजी एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम रोहित कक्कड़ है। मैं 2016 में आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हुआ विद बीटेक एमटेक डुअल डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड नाउ आई वर्क एज अ सक्सेस कोच। एक बार एक स्टूडेंट चिंटू नाम का अपनी कोचिंग से घर पहुंचा। घर जाके अपने मम्मी से बोलता है कि मम्मी मम्मी, टीचर ने आज जो पढ़ाया है मेरे जेई मेन्स और एडवांस में क्वेश्चंस इन्हीं नोट्स से आएंगे, ऐसा टीचर ने मुझे बोला है। ये सुन के मम्मी बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है चिंटू, इसका मतलब तेरा आईआईटी में हो जाएगा। ये सुन के चिंटू बोलता है कि मम्मी, सर ने ऐसा तो नहीं बोला, कल मैं पूछ के आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा। इसका कहने का मतलब है कि बहुत बार जब हम एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करते हैं जहाँ से हर साल टॉपर्स निकलते हैं, बहुत अच्छे सिलेक्शंस होते हैं, तो कई बार हम इन भावनाओं में बह जाते हैं कि हमारा भी ये कोचिंग ज्वाइन करके सिलेक्शन होने के चांसेस पक्का है। लेकिन अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखें या किसी भी टीचर से बात करें जिसने पास में रिजल्ट्स दिए हैं, अच्छे टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं, तो कॉमन पॉइंट्स निकल के आते हैं कि टॉपर्स रोजाना 6 से 8 घंटा पढ़ते थे, उनका मोटा मोटा शेड्यूल फिक्स रहता था, बहुत फोकस था उनके अंदर, अपनी स्टडीज को बहुत प्लान करते थे, ऑर्गेनाइज रहते थे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाते थे, एग्जाम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते थे, बहुत सीरियस लेते थे एग्जाम्स को, उसकी अच्छे से एनालिसिस करते थे, प्लानिंग होती थी और अपने आप को रेगुलरली इम्प्रूव करते थे कॉन्सेप्ट्स के लेवल पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लेवल पे और एग्जाम स्ट्रैटेजीज पे। तो इसलिए अगर आप किसी भी टीचर से बात करेंगे जिसने अच्छी कोचिंग से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, उसका भी कहना है कि आपके सिलेक्शन में, आपके ड्रीम आईआईटी या ड्रीम एम्स में जाने में कोचिंग का सिर्फ 25 से 30% हिस्सा है, रिमेनिंग 70 to 80% रोल आपकी खुद की सेल्फ स्टडी का है। और अगर अभी आप सेल्फ स्टडी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे तो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएं। आप भले 10 से 12 घंटे अपनी कोचिंग में बैठे रहें या 10 से 12 घंटे आप यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स देखते रहें, सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करते। सेल्फ स्टडी करने का मतलब है कि आप वो चीज़ समझ रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, मेमोरी में चीज़ें याद रख रहे हैं और खुद से सवाल लगा रहे हैं, 2-3 बार ट्राई कर रहे हैं, जो डाउट्स आ रहा है वो अपने टीचर से पूछ रहे हैं या दोस्तों से पूछ रहे हैं, फिर उनको रीट्राई कर रहे हैं, एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है अभी सेल्फ स्टडी आपकी इतने अच्छे से नहीं चल रही है, आप रोजाना 6 से 8 घंटा नहीं बैठ पा रहे हैं, फोकस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, या गोल्स नहीं बना रहे हैं या स्टडी प्लान नहीं बना रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें माइंडारिटी को, क्योंकि यहाँ पर हमारा विजन है कि हम हर एक स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में उनको मदद करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। थैंक यू।